हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जुलाई में इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, एंड जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। या आपका करंट पर्सन कोई ऐसा पर्सन जिसका आप पे क्रश है, या जिस पर आपका क्रश है, या फिर आपका एक्स, कोई भी हो सकता है। ये आप चूज़ करेंगे कि किसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। नाइन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो हमारे पास है नाइन ऑफ वांड्स। नाइन ऑफ वांड्स के साथ लगता है कि कोई बहुत बुरी तरह से अपनी फीलिंग्स को रोक रहा है। आपको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगने देना चाहता कि वो कितना ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में और कितना ज़्यादा रेस्टलेस है। ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो सकता है, आपको दूर से वॉच करेंगे पर कहेंगे कुछ भी नहीं। एंड यू नो, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा जब भी आपके आसपास होगा। हो सकता है कि जब भी आप इन्हें देखें अपने आसपास, ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाए, क्या बोल रहे हैं उसको लेके, कैसे दिख रहे हैं उसको लेके, सारी चीज़ें जो भी हो सकता है ये पर्सन करेगा, मगर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आप जिससे डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है। वैसे तो ये एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, और इनका आप पे क्रश है। आपको पता है शायद ऑलरेडी कि इस पर्सन का आप पे क्रश है और ये पर्सन आपके बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, पर कभी भी डायरेक्टली कुछ कहेंगे नहीं। एंड आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पर्सन सिर्फ इसे फ्रेंडशिप तक ही रखना चाहता है, क्या यही तक ये इसे देखते हैं। लेकिन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे उम्मीद ये है कि आप ही कुछ कहेंगे या आप ही अपनी तरफ से कोई स्टेप लेंगे। कोशिश है पूरी तरह से कि आप कन्फेस करें अपने लव को उनके लिए। तो ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है पर पॉइंट पे कभी भी नहीं आएगा। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, एक तरीके का माइंड गेम ही कह लीजिए आप इसे। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ पाइसेस। ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है। एक पल आपको लगेगा कि ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको लगेगा कि जैसे ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन ये ऑन एंड ऑफ का गेम इसलिए खेल रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी मदद करेगा इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में या आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करने में। ये पर्सन बीच बीच में बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा ये देखने के लिए कि आप उनके साइलेंस से परेशान होते हैं कि नहीं, आप कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं। और फिर जब देखेगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो अपनी तरफ से आके फिर प्यार जताना शुरू कर देंगे और आप में इंटरेस्टेड नज़र आएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि यह चल क्या रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आप चीज़ें कन्फेस करें, आप अपनी तरफ से सब कुछ करें और आगे बढ़ें। बट फोर ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस पर कि ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इस बात पर फोकस कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने सोच के हिसाब से चलिए, इनके बॉडी लैंग्वेज या इनके इस तरीके से जो भी ये इस वक्त कर रहे हैं बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिगर होकर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइसेस, ये पर्सन आपको पाना चाहता है एंड आप देखेंगे ये चेंजेस। इस पर्सन को ये कप चाहिए, ये कप है ड्रीम्स के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में और लव के बारे में, और वो आपसे ही उन्हें मिलेगा, उन्हें पता है अच्छी तरीके से ये बात। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ पाइसेस, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप किसी और ही लेवल पे हैं,
ओके, ये भी एक वजह है इस पर्सन की इनसिक्योरिटी की, कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा तो उसका आंसर तो 99% ना ही आना है और आगे चल के चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएंगी। तो ये पर्सन शायद इसलिए भी कुछ नहीं कह रहा क्योंकि वो आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। आप ग्लैमरस हैं, आप गॉर्जियस हैं, इस पर्सन को आप विजुअली बहुत अपील कर रहे हैं और आपके अंदर ऐसा सब कुछ है जो इस पर्सन को चाहिए। तो ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाला। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हायरोफैंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, तो हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहा है। उन्हें पता है कि चीजें आसान नहीं होने वाली और उन्हें अगर हैप्पीनेस चाहिए तो उन्हें आपका ये कप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी इस लव की उन्हें ज़रूरत है। ओके, ये इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस लव के बिना इस पर्सन को वैसे भी बहुत अकेला सा महसूस हो रहा है। द हायरोफेंट के साथ इस पर्सन के मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ओके, जैसे आप क्लियरली देख नहीं पाएंगे मगर फिर भी बहुत कुछ जाहिर हो जाएगा। जैसे कि आप ये पिरामिड देख रहे हैं, इसके अंदर ये स्टेयर्स है एंड बाहर से देखा जाए तो ये किसी को भी नहीं दिखाई देंगी, पर ये जो स्पिरिचुअल आई है आपकी, ओके, इसके थ्रू आप बहुत कुछ देख सकते हैं। स्पिरिचुअल आई आपके इंट्यूशन के बारे में है, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें महसूस होंगी जो वाकई में आपको सही बता रही हैं, सच बता रही हैं, और आपको ये पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, किस रास्ते पे बढ़ना है। ओके, बहुत सारी चीजें आपके आसपास ऐसी होंगी जो आपको मैसेज देंगी और आपको बताएंगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपको खुद ही लगेगा कि कोई मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है और यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो आपके स्पिरिचुअल आई सब कुछ देख सकती है और आपको रास्ता दिखाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जिससे डील कर रहे हैं, इस पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बहुत स्लो मूवर है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको ये पेंटिकल देना चाहते हैं, पर पाइसेस आप सोचते ही रह जाएंगे कि कब कब आखिर ये पर्सन आपको ये लव देगा, आपको ये कमिटमेंट देगा। तो आपको इस पर्सन के साथ बहुत पेशेंट होना पड़ेगा जिसके भी साथ आप हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुछ डिसाइड करने वालों में से नहीं है और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इसीलिए अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स का। ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचता है कि अक्सर अपने दिमाग और दिल के बीच फंस के रह जाता है और इनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। लाइफ में ऐसा कई बार हो चुका है इनके साथ पहले भी। ओके, अब चाहे इन्होंने आपको बताया हो चाहे ना बताया हो, ये जल्दी फैसला नहीं ले पाते, एक गुड डिसीजन मेकर नहीं है। और टू ऑफ कप्स के साथ इस मामले में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इनका दिमाग इनसे कह रहा है जैसे हर हाल में उन्हें अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हर हाल में उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अपनी तरफ से फीलिंग कन्फेस करता है इस रिलेशनशिप में तो वो आपको होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक तरीके की जिद देख रही हूँ मैं इनके अंदर। दूसरी तरफ इनका हार्ट है जो इन्हें कहता है कि ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके आपसे जाहिर करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप वैसे भी कुछ समझ नहीं पा रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वियर्ड है, उनका बिहेवियर बहुत वियर्ड है, आप वैसे भी कुछ समझ नहीं पा रहे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो चीज़ों को क्लियर करें। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ट्रस्ट द निगल, वॉट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो जैसा कि मैंने कहा कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करिए, क्योंकि ये फीलिंग्स ही आपको गाइड करेंगी और बताएंगी कि क्या आपको करना चाहिए। ये पर्सन आपको एक बहुत कन्फ्यूज स्टेट में ला के छोड़ देगा, यानी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए।
उस केस में आपको फिलहाल अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, और आपका इंट्यूशन ही आपको बताएगा कि क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए पेशेंस रखना, और सबसे मुश्किल भी, इस चीज़ को श्योर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, पर टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ पेशेंस रखिए और चीज़ें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये है रीडिंग जुलाई मंथ के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।